पहले तो आप लोग को सलाम और आपकी सारी टीम को सलाम। एक बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है। तो सर मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। जी बिल्कुल आ रही है। जी ये एक्चुअली सवाल डिबेट्स में भी किया जाता है और ये जो स्ट्रीम यार्ड में इसमें भी मैंने सुना है, देखा है कि अक्सर ये मुनदीन और ये क्रिश्चियन लोग कुरान की आयात पे अटैक करते हैं। ये कहते हैं कि आप कहते हैं इस्लाम पीछू है, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। तो वो सूरत तौबा है उसकी 5 बादशाह, वो तो कहते हैं कि देखो यार ये तो इसमें ये लिखा हुआ है कि काफरों को जहां पाए आप कत्ल कर दो, आप बीच की बात करते हैं। तो आपका तो कुरान इस्लाम ये मारा, तो ये आपके गलत है। ये तो मैं ये चाहूंगा कि आप भी काइंडली इस पे थोड़ा सा। जी जी जुल्फकार भाई, अभी आपने ना उमर साहब वाली बात कर दी है कि ये लोग जो है पहले हमें हमारे अध्ययन में खामियां दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे दीन में खामी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसका हम हल जो है वो अभी अपने साथ अली रजा खान साहब से लेने की कोशिश करते हैं। भाई जितने भी दोस्त हमारे साथ लाइव चल रहे हैं, जो हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और दोस्त जो हमारे साथ बने रहे हैं, ताकि आपको ये जुल्फकार साहब ने सवाल किया है कि हमारा दीन तो कुफार को कत्ल करने की तबलीग कर रहा है, यानी कि कत्लेआम की तरगीब देता है, तो इसका जवाब अब हम अली रजा खान साहब से लेंगे। असल में जुल्फकार साहब, आपने मतलब जो क्वेश्चन सुना वो इस सेंस में करने की कोशिश करते हैं या ये बात हमारे सामने रखते हैं कि इस्लाम एक मुतसब मजहब है और वो अख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं करता। मतलब हम मुशरकिन कहते हैं कि मतलब जो इस्लाम की राय से इतफाक नहीं करते, ये हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारे मजहब की अखलाकियात ये हैं। तो दरअसल इनकी अपनी अखलाकी हालत ये है कि ये पूरी मतलब एक ऐसे है, पूरा मजमून है, उसमें से एक हिस्सा लेंगे और उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करेंगे, जानते बूझते हुए करेंगे। इनकी अपनी अखलाकी जरूरत ये है और अपना अखलाकी लेवल ये है। अब सूरह तौबा 9 नंबर सूरह की आयत नंबर 5 का ही अक्सर जिक्र करते हैं। अगर आप 4 नंबर आयत पढ़ें इसी सूरह की, तो आप देखें कि उसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि जिन मुशरकीन के साथ तुम्हारा मुआहदा था फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कसूर नहीं किया, यानी मुआहदे पर कायम रहे और तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद नहीं की, तो ऐसे लोगों के साथ जिस मुद्दत के लिए मुआहदा हुआ है उसे पूरा करो, बेशक अल्लाह तकवा वालों को दोस्त रखता है। अब मुआहदा हो रहा है मुआहदा हो रहा है मुशरकों के साथ, गैर मुसलमों के साथ। तो खुदा कह रहा है कि अगर मुसलमानों आप इस मुआहदे पर कायम रहते हो जब तक वो रहते हैं, तो आप तकवा वाले इनके साथ आप मुआहदे को पूरा करो। उससे अगली आयत में जिक्र आ जाता है कि अगर ये जंग करते हैं तो उस दौर में कुछ हुरमत वाले महीने समझे जाते थे जो इस्लाम नहीं ले गया, उससे पहले से सिलसिला चल रहा था कि उन महीनों में जंगें जो हैं वो हराम समझी जाती थी और लोग इजतनाब करते थे, रब के लोग उन महीनों में जंग करने से। तो अल्लाह कहता है कि ये इजतनाब करते हैं तो ठीक है आप भी इजतनाब करो, लेकिन अगर इजतनाब मतलब हुरमत वाले महीनों के बाद, आप आयत पढ़ लें आयत नंबर 5 में यही सारा मजमून डिस्कस हुआ है कि ये हुरमत वाले महीनों के बाद अगर आपकी जंग होती है उनके साथ, तो भाई जंग की हालत में इस्लाम जो है वो बुजदगी नहीं सिखाता। वो कहता है कि अगर ये आपके साथ नजरियाती तौर पे इख्तलाफ रखते हुए लड़ने आते हैं तो फिर आपके हाथ ये जहां पर जिस घात पे लगे इनको मारो। आप उसी अगले थोड़ा सा आगे चले, अभी ये बीच वाला हिस्सा था जिससे थोड़ा सा पीछे मैंने जिक्र किया कि पीछे से बैकग्राउंड क्या था। अब आगे चले तो आयत नंबर 6 में देखें कि इसी आयत की सूरह की आयत नंबर 6 में इसी तसलसल के साथ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अगर मुशरकीन में से कोई शख्स आपसे पनाह मांगे हालत जंग में, अब वो शिकस्त तस्लीम कर चुका है, वो आपसे पनाह मांग रहा है, तो आपने क्या करना है, यानी आपसे जंग ना करना चाहे तो उसे पनाह दो ताकि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले और फिर उसे उसकी अमन की जगह तक पहुंचा दो। तो कहां पर इसमें लिखा हुआ है कि आपने हर सूरत और हर कीमत पे जो शख्स आपका मुखालिफ है या इख्तलाफ राय रखता है उसको मार दें, बल्कि उसके लिए तो पूरी च्वाइस रखी और ये वाहद मजहब इस्लाम है जिसमें ये च्वाइस मौजूद है कि इख्तलाफ राय रखने वालों से जंग भी हो तो हालत जंग में भी वो आपसे पनाह चाहे तो आप उसको पनाह दें। मजीद देखते हैं इसके अलावा आप सूरह नंबर 60 और आयत नंबर 8 में देख सकते हैं कि खुदा ने गैर मुसलमों से ताल्लुकात के बारे में हमें क्या फरमाया कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ कैसे होने चाहिए। तो आप देख लें सूरह नंबर 60 और आयत नंबर 8 में लिखा है जिन लोगों ने दीन के बारे में तुमसे जंग नहीं की, कुछ लोग थे जो जंग कर रहे थे और कुछ लोग हैं वो भी गैर मुसलम हैं जिन्होंने जंग नहीं की हमारे साथ, नजरियाती जंग नहीं की उन्होंने, और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, अल्लाह तुम्हें उनके साथ एहसान करने और इंसाफ करने से नहीं रोकता,
अल्लाह यकीनन इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो देखिए किस खूबसूरत अंदाज से उनके साथ अच्छे रिलेशन कायम करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। मजीद देखते हैं, मजीद आप सूरह नंबर 17 और आयत नंबर 70 में देखें, जहां पर लिखा हुआ है, खुदा का फरमान मौजूद है, अल्लाह फरमाता है कि मैंने तमाम नूह इंसान, उसका ताल्लुक किसी ग्रोह से क्यों ना हो, अल्लाह कहता है मैंने इसको बायस तकरीम पैदा किया, इसको मैंने इज्जत वाला पैदा किया। आप मजीद देखें सूरह नंबर 8 की आयत नंबर 61 में देख लें, जहां लिखा हुआ कि मुखालफीन का जिक्र जहां पर मौजूद है, वहां लिखा कि अगर वो जाहिरियत छोड़कर, जंग की हालत में अगर वो जाहिरियत छोड़ देते हैं और छोड़ के सुलह करना चाहते हैं तो आप सुलह करें, हालांकि आप गालिब आ रहे थे तो भी तो वो सुलह करना चाह रहे हैं, तो अल्लाह का हुक्म क्या है हमारे लिए, अल्लाह कहता है कि आप तब उनसे सुलह कर। तो ये जंगी बैटल में से मैं सिर्फ एक मसला डिस्कस कर रहा हूँ जो गैर मुसलमों के साथ एक पार्टिकुलर तौर पे ये हमारे सामने पेश करते हैं, उस हवाले से कि हमारे मजहब की अखलाकियात ये हैं, आप अगर उसमें से एक जुमला लेके और सिर्फ वो मार्क करके बात करना चाहते हैं तो आप इल्मी खयानतकार लोग हैं, आप मुसलमानों के साथ खयानतकारी नहीं कर रहे, आप अपने साथ खयानतकारी कर रहे हैं, आप इल्मी खायन। तो ज़ुल्फ़िकार भाई, ऐसे लोगों की इल्मी खयानत से इंशाल्लाह ताला हम पर्दा उठाते रहेंगे और ये हकायक जो हैं ये दुनिया के सामने हम जरूर लेके आएंगे कि इनके सवाल ये भी आएंगे। जी ज़ुल्फ़िकार भाई, मेरे ख्याल में आपको आपके सवाल का जवाब तसल्ली बख्श मिल गया होगा। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन रह गई तो आप पूछ सकते हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी बहुत प्यारा आंसर दिया है, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने मुल्हदीन को भी कि वो प्लीज कॉन्टेक्ट के साथ सारा कुछ पढ़ लिया करें।